नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में जो सियासत है वो दिन पर दिन तेज होती हुई दिखाई दे रही है, जहां एक तरफ शिवसेना दो गुटों में बटी हुई है। शिवसेना के बीच यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट और उद्धव ठाकरे के गुट में इस वक्त शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर जंग छिड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका है, लेकिन इसी बीच देखा जाए तो एनसीपी के प्रमुख शरद पवार भी कई बड़ी रणनीतियां रचते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाविकास अघाड़ी को बचाने की वह पूरी पूरी कोशिश आज भी कर रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो एकनाथ शिंदे के गुट की तरफ गौर किया जाए तो एकनाथ शिंदे के गुट को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार जब हुआ उस विस्तार में कुछ मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की थी। मंत्रिमंडल में तकरीबन 8 मंत्रियों को शामिल किया गया और इसके बाद से देखने को मिल रहा है कि कुछ विधायक हैं, कुछ नेता हैं जो साफ तौर पर अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ही तरफ ये कहा जा रहा है कि मोदी कैबिनेट में शिंदे गुट के कुछ विधायकों को शामिल किया जा सकता है, लेकिन इस बगावत के बाद अब नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं वह अब उद्धव ठाकरे के गुट की तरफ वापसी भी कर सकते हैं, क्योंकि आदित्य ठाकरे ने निष्ठा यात्रा का आह्वान किया। बागी विधायकों को वापस बुलाने के लिए उन्होंने कहा मातोश्री के दरवाजे हमेशा के लिए उनके लिए खुले हुए हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ ये भी देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर शिंदे गुट के जो विधायक हैं, नेता हैं, कई बड़े ऐलान कर रहे हैं। अब आपको बताना चाहेंगे कि एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार से मिलने पहुंचने वाला है शिंदे का गुट। आखिरकार क्यों, आखिरकार किस वजह से? दरअसल आपको बता दें, शिंदे गुट के एक जो नेता है उन्होंने हाल ही में एक बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि शरद पवार से जल्द ही मुलाकात करने वाले हैं शिंदे गुट के विधायक व राज्य के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार, जो विदर्भ क्षेत्र के दौरे पर है इस वक्त, और आज वह शरद पवार से मुलाकात कर सकते हैं। नागपुर पहुंचने वाले हैं वह, और उन्होंने विभागीय आयुक्त कार्यालय में कृषि विभाग की बैठक में हिस्सा लिया है। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जुलाई के महीने के दौरान बाढ़ और बारिश की वजह से जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को लेकर वह जल्द ही कार्रवाई करेंगे और इसकी जानकारी लेंगे, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वह बहुत ही जल्दी खेती संबंधी मामलों के संदर्भ में अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात करेंगे और इस बारे में उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त करेंगे। इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर ऐलान कर दिया है। मालूम हो कि कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने नागपुर संभाग के कुछ बाढ़ और बारिश प्रभावित इलाकों का दौरा किया और यहां पर उन तमाम जगहों का दौरा करने के बाद उन्होंने चर्चा भी की है। तो ऐसे में देखा जाए तो अब वह यहां पर शरद पवार से मुलाकात करेंगे, शरद पवार से यहां पर काफी सारी सलाह भी लेंगे खेती संबंधी, और यहां पर उनके मार्गदर्शन में वह काम करना पसंद करेंगे। इस तरीके से देखा जाए तो शिंदे गुट ने यहाँ पर एक बड़ा फैसला ले लिया है। अगर शिंदे गुट के ये जो नेता हैं, कृषि विभाग के जो नेता हैं, वह अगर उनसे मिलने पहुंचते हैं तो आगे रणनीतियां क्या कुछ देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल तो इंतजार है कि शरद पवार क्या कुछ फैसला सुनाएंगे, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।